फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांट जो कि है टैंगल हार्ट प्लांट, इसके बारे में कुछ जानकारी। मेरे पास कई क्वेश्चन इसके बारे में आ रहा है कि उनके प्लांट पीले पड़ रहे हैं, पत्तियाँ पीली हो रही है, गल जाती है, ग्रोथ नहीं करती है। तो इसी टॉपिक पे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर थोड़ा सा इसका प्रोसेस हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से इसे ग्रो करना है, तो बहुत ही आसानी से ये हैंगिंग बास्केट में हम ग्रो कर सकते हैं। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कितना औसम आता है ये प्लांट। फ्रेंड्स, इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है कि आप इसे शेड में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर पूरी धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। फ़र्क क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो हमें ध्यान में ये रखना है कि इस प्लांट के लिए हमें वेल्ड्रेन सॉयल लेना है। वेल्ड्रेन सॉयल यानी ऐसी मिट्टी जिसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरे। अगर आप इस प्लांट को पॉट में लगा रहे हैं तो मिट्टी में सैंड की मात्रा अधिक रखिए, जिससे कि ड्रेनेज उसका अच्छा रहे। ड्रेनेज होल जरूर चेक करिए। प्लास्टिक पॉट में लगा रहे हैं तो एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल रखिए, लगभग 4-5 ड्रेनेज होल जरूर बनाएं, जिससे कि उसमें पानी ना ठहरे। और अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो आप इसमें कोकोपीट ऐड करिए। कोकोपीट बेशक पानी को होल्ड करता है, जो कि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आता है इस बारे में कि कोकोपीट पानी को होल्ड करता है, फिर भी मैं कोकोपीट में कैसे सक्कुलेंट को लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने अपने हैंगिंग बास्केट आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरह से मैं अपने हैंगिंग बास्केट तैयार करती हूँ। और मैं सारे ही हैंगिंग बास्केट कोकोपीट और कॉम्पोस्ट में ही लगाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सारे पौधे बहुत ही अच्छे से चलते हैं। कोकोपीट पानी को होल्ड जरूर करता है लेकिन पानी को रोकता नहीं है। जब भी हम कोकोपीट लगा के कोई प्लांट लगाते हैं तो वो तुरंत पानी को ड्रेन आउट कर देता है और जितना वो अपने में एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ही एब्जॉर्ब करता है। फिर बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि कोकोपीट में जब हम कोई पौधे लगाते हैं तो उसमें पानी हम ओवर वाटरिंग वाला इशू ना रखें, क्योंकि जब भी हम वाटरिंग करें उस प्लांट में तो उसे चेक करके ही वाटरिंग करें। ये टैंगल हार्ट प्लांट क्योंकि सक्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत मिनिमम पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं इस प्लांट को, एक तो मैंने इसमें कोकोपीट में इसे लगा रखा है और दूसरा मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखती हूँ, यानी टेरेस पे रख रखी हूँ। और तीसरा, मैं इसका केयर इस तरह से करती हूँ कि मैं इसे 3 दिन के बाद ही वाटरिंग करती हूँ। बहुत तेज़ धूप होती है तो 2 दिन के बाद मैं वाटरिंग करती हूँ, और मिनिमम सीट सनलाइट होती है या फिर बादल जैसा मौसम होता है या बारिश हो रही होती है, तो मैं इसमें उसी हिसाब से मौसम के अकॉर्डिंग ही इसमें वाटरिंग करती हूँ। और कुछ हद तक मैं इस प्लांट में इस तरह से चेक करके फिर मैं वाटरिंग करती हूँ। जब प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मिट्टी, जैसे अभी मैं जैसे चेक कर रही हूँ तो मिट्टी में बिल्कुल भी मेरी जो उंगली है मैं दे नहीं पा रही हूँ, ये पूरी तरह से भर चुका है। तो मैं एक अंदाज से मैं इसमें पानी दे लेती हूँ 3-4 दिन के हिसाब से। और जो प्लांट मैं इंडोर रखती हूँ उसे मैं वीकली 1 दिन पानी देती हूँ, यानी हफ्ते में 1 बार। ड्रेनेज अच्छा होने से पानी इसमें ठहरता नहीं है और सकुलेंट होने की वजह से इसे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इस प्लांट को वैसे कोई खास नुकसान नहीं होता है। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे या फिर अंडर वाटरिंग ये प्लांट हो जाता है तो वो ये प्लांट अपने आप ही दिखाने लगता है। ओवर वाटरिंग होते ही ये प्लांट की जो ये पत्तियां हैं ये गलने लगती है और ये अपने आप ही टूट टूट के गिरने लगती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से पत्तियां ख़राब होने लगेगी और टूट के गिरने लगेगी। और अगर अंडर वाटर होता है तो इस प्लांट की पत्तियां जो आप इतनी मोटी मोटी देख रहे हैं ये श्रिंक हो जाती है, पतली हो जाती है। तो ये सिम्टम्स होता है अंडर वाटर और ओवर वाटर का। तो मिट्टी अच्छी रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अपने आप ही बहुत ही अच्छी हो जाती है। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इस प्लांट की जस्ट इतनी सी भी कटिंग आप काटेंगे और इसे कहीं पे भी रख देंगे, इसे ग्रो भी नहीं करना पड़ता है। इसे मिट्टी के संपर्क में रख देने से उसी से ही इसमें अच्छी खासी ग्रोथ होने लगती है और ये प्लांट फिर वहीं से डेवलप हो जाता है और दूसरा पौधा बन के तैयार हो जाता है। एक बास्केट में 3 से 4 टहनियाँ भी अगर आप लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि ये बास्केट बिल्कुल घना हो जाता है, भर जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये बास्केट जब मैंने बनाया था तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखने लगा ये दोनों बास्केट।
तो इसे कटिंग से प्रोपगेट करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। और फ्रेंड्स, मेरे कई क्वेश्चन ये भी आए थे कि प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्लांट की पत्तियां या तो आपके ओवर वाटरिंग की वजह से ही पीली पड़ती है। अगर ओवर वाटरिंग की कोई इशू ना हो आपके प्लांट में, तो फिर प्लांट में जो धूप लगती है, आप किस हिसाब से उस प्लांट को रख रखे हैं, कहाँ रख रखे हैं, कितनी धूप पड़ रही है उस पर, वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि उस प्लांट की पत्तियों का कलर क्या होगा। यहाँ पे आप जो ये प्लांट देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही है, क्योंकि ये दोनों ही बास्केट को मैंने अपने टेरेस पे रखा हुआ है जो कि डायरेक्ट सनलाइट में है। अब इस प्लांट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये प्लांट मैंने रख रखा है टैंगल हार्ट का, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रखा है। आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे इसके स्टेम हो चुके हैं, और बहुत ही छोटा सा मिनिमम सा प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है, जो बॉटल होता है, उसी को काट के मैंने लगाया है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इस प्लांट को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ग्रीन है, एकदम से हरा हरा प्लांट आपको दिखेगा, कहीं से भी एक पत्ती भी इसमें आपको पीली नज़र नहीं आएगी। तो यही रीज़न है, अगर आप इसको सेमी लाइट देते हैं तो इसकी पत्तियां हरी हो जाती है। और ये मैंने अपने टेरेस का जो एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं, जो जहां पे मेरे सिर्फ हल्की फुल्की धूप आती है और बहुत ही अच्छी सी ब्राइट लाइट रहती है, ये वो जगह है। और इस जगह पे इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, और साथ ही साथ इसका कलर भी देख सकते हैं आप, पूरा ग्रीन, एकदम लैश ग्रीन इसमें कलर आ रखा है। तो यही होता है फ़र्क, अगर आप इसे शेड में लगाते हैं यानी सेमी लाइट में लगाते हैं तो इसको इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं ग्रीन हो रहती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और इसी तरह से अगर आप इसे धूप में रख के लग ग्रो करते हैं तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा बॉटल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी में मैंने काट के इसे लगाया है, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी लंबे लंबे इसके स्टेम हो गए हैं। बट ये क्योंकि मेरे धूप में रखा हुआ है, इसीलिए इसके भी पत्तियां आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी मोटी है, लेकिन हल्का सा इसमें पीलापन आ गया है। ये होता है धूप में रखने से, और ओवर वाटरिंग की वजह से भी होता है। तो ओवर वाटरिंग की वजह से सिर्फ पत्तियाँ पीली नहीं होती है, साथ ही साथ आपकी पत्तियाँ गल के टूटने भी लगेगी। तो मेरे इस प्लांट में ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट धूप में रखने की वजह से ही हो रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स, एक प्लांट मैंने यहाँ पे भी ग्रो किया है, और बहुत ही छोटा सा प्लास्टिक का बॉटल है जिसको मैंने आधा कट करके लगाया है। और ये मेरा एक DIY ऑक्टोपस प्लांटर है, जो कि मैंने काफ़ी पहले आपके साथ शेयर भी किया था, और इसमें मैंने लगा रखा है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसके स्टेम निकल रहे हैं, और ये इसकी खूबसूरती काफ़ी अच्छी सी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। इस तरह से आप इस टैंगल हार्ट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे जगह पर मैंने टैंगल हार्ट प्लांट को ग्रो किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा वर्टिकल गार्डन है। और इस तरह से फ्रेंड, मैंने काफ़ी सारी जगह पे ये टैंगल हार्ट प्लांट को लगाया है, क्योंकि इजी टू ग्रो है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, और ये जो मौसम है यानी बारिश का मौसम है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है। और मैंने अपने गार्डन में तो देखा है कि रेगुलर बारिश से इस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि ये प्लांट टोटली सक्कुलेंट वेराइटी का ही प्लांट है, बहुत ही अच्छे से मेरे चल रहा है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी ले है। आप देख सकते हैं सारे मेरे ये प्लांट टेरेस पे ही रखा हुआ है, और बहुत ही एकदम से खुले में रखा हुआ है, बारिश भी उतनी ही पड़ती है और उतना ही धूप पड़ता है, फिर भी मेरे ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि इस प्लांट को आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करें। मैंने जैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ, उसी तरह से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। और जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था, तभी मैंने इसमें ड्राई कंपोस्ट डाला था, उसके बाद तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसमें ड्राई कंपोस्ट डाल सकें। उसी से मेरे ये प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, इसीलिए बार बार फर्टिलाइज़र की इस प्लांट को रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए बार बार आप इस प्लांट को फर्टिलाइज ना करें, उससे ओवर फर्टिलाइजर की वजह से ये प्लांट खराब भी हो सकता है। यानी फ्रेंड्स, सही तरीके से इस प्लांट को रखना, यानी कितने धूप में इसे रखना है, कितना इसमें वॉटरिंग करना है, इसी बात का ही हमें ध्यान रखना है। और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ही मैं उसे आंसर दे दूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसीलिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, जो कि आप सभी
बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सकुलेंट वैरायटी का है और किसी को अगर सकुलेंट प्लांट ग्रो करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इजी ग्रोइंग होने के साथ साथ हर कोई बिगनर्स भी इस प्लांट को ग्रो करके अपनी गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकता है। और इतनी फास्ट इस प्लांट की ग्रोथ होती है कि हर बहुत ही जल्दी किसी भी बास्केट में आप लगाएंगे तो ये बास्केट तुरंत कवर कर लेता है। इस प्लांट के साथ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इस प्लांट को कभी भी बहुत बड़े कंटेनर में ना लगाएं। जब भी आप इसे लगाएं तो इसे छोटा कंटेनर में लगाएं जिसमें मिट्टी कम हो, पानी ज़्यादा ना सोखे, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली ना रहे, तब ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। तो फ्रेंड्स, यही था बेसिक सा जो कि हमें ध्यान में रखना होता है इस प्लांट को लेके। और अगर इस बात को ध्यान में रखें और इस प्लांट को ग्रो करें तो इस तरह के जो सकुलेंट होता है जो कि हर कोई ग्रो कर सकता है, यानी जो टैंगल हार्ट प्लांट जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकेंगे और इसकी खूबसूरती से अपने गार्डन को भी खूबसूरत बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।